दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने विजय विहार थाना इलाके में हुई किडनैपिंग और सनसनीखेज हत्या के मामले में वांटेड को गिरफ्तार किया है, जो पहले से दिल्ली के 13 से ज्यादा थाना इलाकों में दर्ज 65 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। गिरफ्तार किए गए क्रिमिनल की पहचान मोनू उर्फ रोहित के रूप में हुई है। ये बाहरी दिल्ली के नागलोई थाना इलाके का रहने वाला है। कोर्ट ने भी इसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। इसकी विजय विहार थाना की पुलिस टीम काफी अरसे से तलाश कर रही थी। स्पेशल सीपी रविंदर सिंह यादव ने बताया कि 10 मई 2010 को राकेश उर्फ साहिल, दीपक उर्फ मुन्ना, राकेश राय, रेनू और मोनू उर्फ राहुल ने विजय विहार के रहने वाले दिलीप का अपहरण कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में गिरफ्तार राहुल उर्फ मोनू को बाद में जमानत मिल गई और उसके बाद वह फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वह ठिकाना बदल रहा था। पुलिस के मुताबिक चौथी तक की पढ़ाई करके वह गलत संगत में पड़ गया और फिर ड्रग एडिक्ट होकर उसकी पूर्ति करने के लिए वारदातें करने लगा। दिल्ली के नागलोई, सुल्तानपुरी, बिंदापुर, अमन विहार, तिलक नगर, कंझावला, रोहिणी साउथ, पालम गांव, डाबरी, मोती नगर, हरिनगर, सुभाष प्लेस, पश्चिम विहार ईस्ट, निहाल विहार, सुल्तानपुरी, अमन विहार, आनंद पर्वत जैसे एक दर्जन से ज्यादा थानों में 65 वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी। इसी बीच वेस्टर्न रेंज 2 के हेड कांस्टेबल पवन को सूचना मिली कि मोनू उर्फ रोहित जो फरार चल रहा है वह रनहोला थाना इलाके के बपरोला में छुप कर रह रहा है। इस सूचना पर डीसीपी सतीश कुमार की देखरेख में एसीपी यशपाल सिंह, इंस्पेक्टर पवन सिंह, सब इंस्पेक्टर अनुज रविंदर, विशाल सहायक सब इंस्पेक्टर रविंद्र, मोहन हेड कांस्टेबल अश्विनी, पवन रविंद्र कौशल और रोहित की टीम ने छापा मार कर इसे गिरफ्तार कर लिया।